दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश यादव। राजनीति की चाल कुछ अजीब होती है, पर्दे के पीछे तो चलती ही रहती है। कई बार हम जैसे मेरे जैसे अनेकों फोटो जर्नलिस्टों के सामने भी दिखने लगता है। ये वाकया मैं बताने जा रहा हूँ आपको। प्रधानमंत्री जब बीपी सिंह को चुना जा रहा था नेता संसदीय दल का, तो चंद्रशेखर को दबाने के लिए किस तरह की चाल हमने देखा, सामने अपने आंखों से जो देखा। हुआ यूं कि यह भीतर खाने में तो तय हो ही गया होगा कि बीपी सिंह बनेंगे, और हकीकत ये भी थी कि चुनाव के दौरान जो चुनाव प्रचार हुए, जो हल्ला हुआ, उसमें बीपी सिंह को आगे रख के ही किया गया था। लेकिन चंद्रशेखर जी जैसा बड़ा व्यक्तित्व एक सामने बीच में अड़ंगा था, जिन्हें मात देने के लिए उपाय कई किए गए। जब वो अड़ गए, जब नहीं माने, तो इसका एक प्रतिफल दिखा संसद भवन के सेंट्रल हॉल में। नेता का चुनाव हो रहा था, प्रपोजल आया चौधरी देवीलाल, क्योंकि देवीलाल के नाम पर चंद्रशेखर जी को कोई आपत्ति नहीं थी। तो चौधरी देवीलाल का प्रपोजल आया, सेकेंडर भी हो गए, सर्वसम्मति से देवीलाल नेता चुने गए। उसके बाद बहुत अजीब सा एक सन्नाटा सा हो गया हॉल में, और बिल्कुल शोरगुल बंद, और ऐसी लगा कि जैसे देवीलाल तो प्रधानमंत्री बन गए। हम लोगों को भी लगा और दूसरों को भी लगा, हो सकता है कि सांसदों को ना लगा हो। जो सांसद लोग बैठे थे, नवनिर्वाचित सांसद, हो सकता है उन्हें सूचना दी गई हो, कानों कानों बताया गया हो, लेकिन हम लोगों को तो स्पष्ट यही लग रहा था। अब देवीलाल जी खड़े हुए धन्यवाद करने के लिए। अब बहुत आराम से कूल लहजे में उन्होंने बोला कि साथियों, आज आप लोगों ने सबने मिल करके मुझे इतना बड़ा दायित्व तो सौंपा है, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तब भी हम लोगों को यही समझ में आ रहा था कि प्रधानमंत्री देवीलाल हो गए, और उसके बाद चुप हुए। और अगली पंक्ति जो बोले, वहां साफ हुआ कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और सीनियर हूं, तो मैं ताऊ का रोल करना चाहता हूं, इसलिए मैं यह जिम्मेदारी विश्वनाथ प्रताप सिंह को सौंपता हूं कि वो इसका बोझ उठाएं और मैं ताऊ का रोल करूंगा। इस पर चंद्रशेखर जी वहीं खड़े खड़े बहुत विरोध किए, जबरदस्त। उनकी जो चेहरा तमतमा गया, और उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ धोखा किया गया है, ये जिस तरह से बहानेबाजी की गई है, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। और ऐसा कह करके वो मुड़कर उस हॉल से बाहर जाने लग गए। इस पर हमारे कुछ फोटोग्राफर साथियों को लगा कि हमारी तस्वीर तो बनी नहीं अभी ढंग की, बीपी सिंह को धन्यवाद देते, बीपी सिंह का स्वागत करते चंद्रशेखर जी। तो कुछ लोगों ने आवाज़ भी लगा दी कि चंद्रशेखर जी जरा बीपी सिंह जी का माने स्वागत कर दीजिए, जो भी करना होता है, फॉर्मेलिटी सी होती है। अब वो बड़ी अजीब स्थिति ये थी कि राजनीतिक चाल तो दूसरे किस्म की थी, पर हम फोटोग्राफर में से कुछ बोले भी होते हैं जिनको इन सब चालों से लेना देना शायद कम रहता है। वो चाहते हैं कि जो एक पिक्चर का तौर तरीका है पुराना, वही एक ये चुने गए तो इनका ये स्वागत कर दें उस कड़ी में। लेकिन उनमें जो लोग सचेत थे, उन लोगों ने आवाज़ भी उठाई, नहीं ये कोई अच्छी बात नहीं है, जब वो विरोध हो रहा था क्यों लोग के स्वागत कराना। और पुनः लोग चुप हो गए, लोग रुक गए। और इस बीच चंद्रशेखर जी हॉल से बाहर निकले, बाहर गाड़ी लगी थी, बैठे और भोडसी चले गए। मित्रों, ये इंटरेस्टिंग कहानी थी, और ये जो स्टोरी है वो रियल है, सामने हुई है, और हर शुक्रवार को एक रियल स्टोरी आपके सामने रखता हूँ। अगली बार अगला जो शुक्रवार आएगा, उस दिन भी एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी दूंगा। हो सकता है कि वो राजनीति पर ना हो, दूसरे क्षेत्र पर भी हो सकती है। तो आज बस इतना ही। मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।